बड़ी खबर से जो कि भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया है, साथ ही जिन राजनयिकों को निशाना बनाया गया है कनाडा में उन्हें भी वापस बुलाने का फैसला किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है जब भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जब भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया है। हमारी डिप्लोमेटिक एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, क्या कारण है कि भारत ने ये इतना बड़ा फैसला किया है? देखिए, अभी का जो ट्रिगर है, जो भारत ने अब फैसला किया है, यहाँ जो उप उच्चायुक्त हैं जो हाई कमीशन के कनाडा के स्टीवर्ट आर व्हीलर, उनको समन किया गया और उसके बाद उनको ये कहा गया कि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है भारत के राजनयिकों पर, हाई कमिश्नर पर, वो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है और इस तरह के बेतुके आरोप बंद होने चाहिए। और ये साफ कर दिया उनके सामने कि उनकी सुरक्षा को लेकर कनाडा की सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यही वजह है कि हाई कमिश्नर संजीव कुमार वर्मा को और वो राजनयिक जिनको टारगेट किया गया है ट्रूडो की तरफ से, उनको वापस बुलाने का फैसला किया गया है, ये उनको बता दिया गया। और ये भी कहा गया कि अब भारत जो है वो आगे कोई जवाब देने में अब कर सकता है, आगे भी जवाब दे सकता है, जिस तरह से जो अतिवाद है, वायलेंस है, सेपरेटिज्म है, इस सबको ट्रूडो सरकार जो है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इमीडिएट ट्रिगर जो था वो ये था कि जो एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भेजा गया था कनाडा की तरफ से, आमतौर पर ये कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन उसको आज सार्वजनिक किया विदेश मंत्रालय ने। उसमें साफ ये बताया गया कि किस तरह से इस कम्युनिकेशन में कहा गया कि जो हाई कमिश्नर हैं हमारे वहां पर और कुछ राजनयिक, वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में। हम सब जानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें ये एक नया मोड़ आया है। और भारत लगातार ये कहता रहा है कि इस मामले में जिस तरह से सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया हाथ होने का, उसके बारे में कोई वो सबूत दे, लेकिन एक भी सबूत अभी तक कनाडा ने भारत के साथ साझा नहीं किया है। भारत ने जो बयान दिया आज, विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया, साफ कहा कि ये कोशिश लगती है कि भारत की छवि को धूमिल किया जाए। जब से 2018 में यहाँ पर अपने वोट बैंक को एड्रेस करते हुए जस्टिन ट्रूडो आए और वो कामयाब नहीं हुए, तब से ये लगातार जारी है। भारत बार बार कह रहा है कि एंटी इंडिया जो वहां पे एक्टिविटी कर रहे हैं, जो ड्रग्स के मामले में, आपराधिक मामले में, अलगाववाद के मामले में इन्वॉल्व है, उनको यहाँ वापस भेजा जाए, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी से सपोर्ट लेकर सरकार बनाए हुए थे जो कि खुले तौर पर खालिस्तान का और भारत के टुकड़े करने का सपोर्ट करती है, वहां वो सपोर्ट जो है अब नहीं है। तो भी और इस तरह के पॉलिटिकल एजेंडा के लिए जब उनको अपनी एक कमीशन के सामने गवाही देना है जस्टिन ट्रूडो को, तो वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो ये साफ कर दिया भारत ने कि ये निहायत ही बेतुका किस्म के आरोप है। 36 साल का करियर है आईएफएस ऑफिसर जो संजय कुमार वर्मा वहां पर हाई कमिश्नर हैं भारत के, और जगहों में तैनात रहे हैं, शानदार आईएफएस अफसर माने जाते हैं, उनके तरफ जिस तरह से उंगलियां उठाई गई भारत के राजनयिकों के तरफ, सुरक्षा जो है लगातार उनकी कॉम्प्रोमाइज की गई, उसके बाद अब ये हुआ है कि अब भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए अब उनको वापस यहाँ बुलाने का फैसला लिया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर और बाकी राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है। जी।